हाथरस केस में फंस रहे दाव पेच और युवती के रात के अंधेरे में प्रशासन की अनुपस्थिति और परिवार की अनुपस्थिति के बगैर अंतिम संस्कार कर दिया था। इस खबर से हाथरस जिले के साथ साथ पूरे देश में मातम की लहर दौड़ पड़ी है। इससे देश की जनता में भारी गुस्सा नजर आ रहा है। यही गुस्सा इंदौर के राष्ट्रीय वाल्मीकि समाज और भीम आर्मी के लोगों में दिखा। वाल्मीकि समाज ने इंदौर राजवाड़ा पर एकत्रित होकर नारेबाजी की और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करके दोषियों को फांसी के फंदे पर चढ़ाने की मांग की। इस प्रदर्शन में वाल्मीकि समाज के सभी कार्यकर्ता उपस्थित रहे, साथ ही महिलाएं, युवतियाँ और छोटी बच्चियां भी इस प्रदर्शन में शामिल थी। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस प्रशासन और राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और नाराजगी जाहिर करते हुए कई कड़े आरोप लगाए। इंदौर ब्यूरो राकेश सच्चर के साथ दीपक सिंह और अभिजीत सिंह की रिपोर्ट। आज यहाँ से कहा जा रहा है और क्या किस तरह? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। साथियों, आपके प्रेस के माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगा कि इंदौर नगर निगम में जो हमारे 5 संगठन काबिज हैं, उन 5 संगठनों के अध्यक्ष यहाँ मौजूद हैं। इंदौर शहर की जो मान्यता प्राप्त 4 वाल्मीकि पंचायत हैं, उस पंचायतों के सरदार, मुखिया, पंच, पटेल, चौधरी, सारे यहाँ जो उपस्थित हैं, और उसके पीछे सिर्फ मकसद इतना सा है कि हाथरस उत्तर प्रदेश के अंदर एक वाल्मीकि समाज की लड़की के साथ जो जघन्य अपराध हुआ है, उस अपराध के खिलाफ हम विगत 15 दिनों से एक आंदोलन के रूप में, कभी तो हम उसको श्रद्धांजलि दे रहे हैं, कभी कैंडल मार्च लगा रहे हैं, कभी मौन जुलूस निकाल रहे हैं, इस तरह का कृत्य हम लोग करते आ रहे हैं। और आज हमने इंदौर शहर की 4 पंचायत और 6 संगठन जो नगर निगम में काबिज हैं, उन संगठनों के अध्यक्ष यहाँ हरीश नागर जी मौजूद हैं, नागराज जी नागर मौजूद हैं, राजेश भाई मौजूद हैं, विवेक करोशिया जी मौजूद हैं, बाबूलाल जी सिरसिया मौजूद हैं, सारे के सारे संगठन के लोग जो यहाँ मौजूद हैं, 4 पंचायत के लोग मौजूद हैं। और आज हम इस यहाँ, हमारा इरादा तो मौन प्रदर्शन करने का था, लेकिन मौन मतलब ये कि हम जुबान बंद कर लें, हमें अब अपनी जुबान बंद नहीं करना है, हमें अत्याचार के खिलाफ बिगुल बजाना है, आवाज़ उठाना है। इसीलिए माँ अहिल्या की इस नगरी, पावन नगरी में माता अहिल्या के चरणों में हम यहाँ हमारा विरोध प्रकट करने आए हैं। आपका नाम? और महेश गोहर, इंदौर नगर अनुसूचित जाति निगम कर्मचारी कामगार संघ और वाल्मीकि पंचायत इंदौर। शंकर खलीबाजी हमारी पंचायत के प्रमुख यहाँ मौजूद हैं। मैं हरीश नागर जी, कल्याण साहब, नागर साहब, विवेक करोसिया जी, अशोक जी, पवन नरवाले जी, राजेश, नरेंद्र नाहर जी, सारे संगठन के लोग यहाँ मौजूद हैं। सरकार और प्रशासन से आपकी क्या मांग? सबसे पहले तो महर्षि चरणों करते हुए दिवंगत बहन के साथ जो अन्य स्मरणीय, कभी नहीं चाहेंगे कि किसी भी बहन के साथ ऐसा हो। इसमें पूरा संपूर्ण समाज एकत्रित और आज न्याय मांग रहा है, इस तरह से मांग रहा है क्या? और सख्त से सख्त जल्द से जल्द होना चाहिए। भगत जी ने कहा, भगत सिंह जी ने कहा था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमें है और देखना है कितने जुए का दिल में है, वक्त बताएंगे देंगे तुझे माँ क्या हमारे दिल में है। क्योंकि जब तक बहरों को अगर हमें सुनाना है तो कुछ धमाका करना होगा। यहाँ पर संपूर्ण वाल्मीकि समाज रोष में, बिहार माता बहने से बाहर निकली है और समाज एक सूत्र में बांधकर हम आज यहाँ एक के साथ जो हाथरस में अपराध है, उसके लिए यहाँ पर सरकार से, राजी जी से ये निवेदन कर, जल्द हत्यारों को फांसी हो, दरिंदों को जल्द से जल्द फांसी हो। यहाँ पर सरकार और राष्ट्रपति महोदय करते आग्रह करते हैं कि जल्द त्वरित कार्य, संपूर्ण वाल्मीकि समाज में आक्रोश है। प्रांगण में आप देखें बड़ी संख्या में घरों से निकलकर माता बहने, साथी, बुजुर्गगण लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और निश्चित ये आवाज जो जी है इंदौर के इस राजवाड़ा प्रांगण, ये निश्चित तौर पर भारतवर्ष में अब एक अलग मैसेज रखी। इन्हीं शब्दों के साथ शब्दों को विराम देता हूँ। अभी एक खबर और एक ही जगह कह रहा है नार्को टेस्ट हमें नहीं कराना है, वो शायद भी नहीं है, लेकिन आगे परिवार वो कह रहा है कि नहीं हम बिल्कुल, इसके पीछे क्या जातिगत से है, कोई राजनीति, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए कहीं अगर देखा जाए तो पीड़ित परिवार कह रहा है कि कोर्ट आएंगे या सीबीआई जांच नहीं कराएंगे, इनके साथ
अंतिम संस्कार तक का उनको मौका दिया गया, अंतिम दर्शन भी नहीं कर पिता उनके साथ होगा। जिस उनकी बिटिया को रात बजे घासलेट डालकर केमिकल डालकर पन्नी डालकर उसको अंतिम संस्कार नहीं कर, उस माँ और उस परिवार कैसे विश्वास जागेगा उस प्रशासन पे कि वो प्रशासन आए देख वो न्यायिक जांच जज द्वारा जांच के लिए वो कर रहे हैं जज के द्वारा। आपका नाम बता दी? मेरा नाम शहर वाल्मीकि समाज से। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।